चलिए अब इंटीजर टाइप जो क्लास टेस्ट किए थे उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इवॉल्व इन हीटिंग इन दिस रिएक्शन है ना यानी लास्ट रिएक्शन में पूछ रहा है इवॉल्व पहले ऑक्सीडेटिव हो रहा है तो यहाँ से ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिविस करेंगे तो यहाँ पे कीटोन बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिविस करेंगे तो एसिड बनेगा और यहां से करेंगे तो भी क्या बनेगा एसिड तो क्या बन जाएगा हमारे पास दो सिमेट्रि सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बन रहा है ना ये बना कीटोन एसिड ये बना एसिड है ना इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा ये एल्फा ये बीटा कीटो एसिड एल्फा ये बीटा कीटो एसिड इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा एसिटोन एंड दो CO2 टू है ना तो सिमेट्रिकल है तो दो प्रोडक्ट बने थे तो हमारा आंसर कितना हो गया इसमें फोर सीओ टू ठीक है नंबर ऑफ इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इसमें कितने इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेंगे पहले ये क्या हो रहा है रिडक्टिव तो यहां से हम करेंगे रिडक्टिव ओजोन लिसिस तो क्या बनेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ चार बार सी एस टू और ये बना सी एच ओ ठीक है अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट हम करेंगे कंडेंसेशन तो ये अल्फा और ये एक वाटर निकाल लो ये कितने का रिंग, बन गया, बताओ, ये मेंबर रिंग। प्लस ये अल्फा और इस पर अटैक करेंगे तो एक कितने मेंबर का रिंग बनेगा हमारा सेवन मेंबर का रिंग ये भी ठीक है प्लस इस अल्फा का अटैक इस राइट right वाले पे करेंगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगा फाइव मेंबर रिंग कितने इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन पर्ट बने नंबर ऑफ इंट्रा इंट्रामोलिगुल एल्डोल कंडेंसेशन पर्ट बने हमारे थ्री ठीक है थर्ड में बताओ नंबर ऑफ स्टीरिया कैन बी एक्जिस्ट देखो इसमें कितने कार्य सेंटर है ये कार्य सेंटर, सेंटर है इसमें नंबर ऑफ सेंटर पूछा जाए तो कितने हैं दो तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनने चाहिए टू की पावर एन टू की पावर टू ये बनना चाहिए फोर ये समझ में आ रहा है ठीक है अब बताओ कितने एग्जिस्ट करेंगे एग्जिस्ट कौन करेगा एक ये और एक इसकी मिरर इमेज क्योंकि हमको बाकी आइसोमर बनाने के लिए क्या करना होगा ये वैलेंसीज इंटरचेंज करनी पड़ेगी लेकिन ये लॉक्ड है ये पूरा लॉक्ड है तो अपन इंटरचेंज नहीं कर सकते इसको मतलब इसका थर्ड फॉर्म बना नहीं सकते तो अगर क्वेश्चन में पूछा होता ना कि थ्योरेटिकली पॉसिबल अगर यहाँ एग्जिस्ट की जगह लिखा होता हाउ मेनी थ्योरेटिकली पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर तब आंसर कितना होगा फोर फोर में से एग्जिस्ट कितने करेंगे तो एग्जिस्ट में हमारा आंसर क्या होगा बताओ क्योंकि हम बैलेंसीज इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो तो सेंटर है ये क्या हो गया हमारे लॉक हो गए ठीक है चलो फोर्थ नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इसमें एल्डोल नहीं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इंट्रा तो इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करेंगे तो यहां बनेगा ये कीटोन यहां भी बनेगा कीटोन इस अल्फा से ये वाटर निकाल लो इस अल्फा से ये वाटर निकाल लो तो कितने मेंबर रिंग बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये मेंबर रिंग से बन गया, और एक अपन यहां से अटैक करेंगे तो, हाँ तो आंसर होगा हमारा दो और वैसे भी डाई की तो है तो एल्डोल कंडेंसेशन वैसे भी इंट्रा ही होंगे इसमें ज्यादातर बिकॉज इंट्रामोलिक फास्ट नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड ए ये कौन सी रिएक्शन हो रही है आइसोसाइनाइड टेस्ट तो आइसोसाइनाइड टेस्ट से ये क्या एनिलीन से होगा आइसोसाइनाइड टेस्ट बी आर टू क्यू मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड ये एमाइड है ना हमारा एमाइड से हो होगा हॉफमैन ब्रोमाइड फिर ए क्या होगा बताओ एसिड से एमाइड कैसे बनेगा एसिड में अमोनिया डालते हैं तो एमाइड बनता है ये ए हो सकता है या एक और ऑप्शन है इसका ये एसिड हेलाइड इन दोनों में से किसी में भी डालने ये बन डालने ना हमारा ठीक है तो क्या पूछा नंबर ऑफ कार्बन इन ए तो ये फिनाइल में सिक्स कार्बन होंगे एक इधर होंगे तो हमारा आंसर कितना हुआ सेवन कार्बन टोटल होंगे हमारे सेवन कार्बन एक्सप्लोजिव कंपाउंड अच्छा सी के बारे में दे रखा है तो सी बनाना है पहले क्लोरोफ एल कंसनट्रेट बेनजाइन मैकेनिज्म से फिनॉल बनेगा फिर आप इसका करो सल्फोनेशन है ना और फिर उसके बाद क्या करोगे नाइट्रेशन मिक्स दो एक बार करो या दो बार करो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ये नाइट्रेशन करेंगे प्रोलॉन हमको एक्सप्लोजिव दे रखा है तो नाइट्रो डेरिवेटिव और एक्सप्लोजिव एन ओ टू एनो टू एन होगा तो, NO. हो तो ट्राई नाइट्रो बन जाएगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम एटम है और एक हो गए समझ गया पाई बॉन्ड इन बी बी में कितने पाई बॉन्ड है ये बताना है अच्छा पहले हम क्या करेंगे एल सी एल फोर इंट्रामोलिकुलर फिल्डरक्राफ्ट यहां से भी इंट्रामोलिकुलर फिल्ड क्राफ्ट तो हमारा ए क्या बनेगा सही बनाया ना मैंने कीटोन यहां गया सी एस टू कीटोन सीएस टू कीटोन ठीक है फिर इसका टॉटोमेरिज्म कर दो फिर रेड पी एचआई डालोगे तो बी क्या बन जाएगा हमारा रिडक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा रिडक्शन से दोनों बॉन्ड लग जाएंगे तो थ्री इधर है थ्री इधर है एक इधर है एक इधर है तो नेट बॉन्ड कितने बॉन्ड लगे इसमें एट ना? टोटल एट बॉन्ड आएंगे तो आंसर क्या रहा एट अगर हम एक्सेस में डालेंगे ना डीसीएल तो क्या होगा डी प्लस अटैक करेगा और एच निकल जाएगा डी प्लस अटैक करेगा एच निकल जाएगा तो अगर आप एसिड डालोगे तो H इज रिप्लेस्ड बाय D यानी सभी H की जगह पे क्या आ जाएगा D आ जाएगा तो हाउ मेनी ड्यूटेरियम आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट तो आंसर कितना रहा हमारा 6 नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन प्रोडक्ट C C में कितने हैं ये बताओ एनलीन में Br2 वाटर डालेंगे टू फोर सिक्स ब्रोमो एनलिन है ना इसमें फिर एनएन एस करोगे तो डाइजोटाइजेशन होगा फिर इसमें डालोगे तो यहां हम लगाएंगे बी आर है ना ये सारे बी आर लगा देंगे तो हमारा सी में आंसर कितना रहा नंबर ऑफ एटम इन सी आएंगे फोर ऑफ कार्बन इन बी पहले यह कंसेंट्रेट एस्टोसोफोर दो मोल से क्या होगा यहां होगा कंडेंसेशन वैसे अगर यहां तीन मोल होता तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता तीन मोल में क्या बनता मैसेटलीन और के ओ मतलब हेलो तो इसका मिथाल कीटोन का हेलो फॉर्म होगा यहां से तो यहां बना लेंगे हम सॉल्ट और ये बनेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने कार्बन एटम होंगे भाई छे कार्बन समझ गया आप ठीक है नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन Which can show in light. कितने कार्बन होंगे इंटरनल कंपनसेशन मतलब हमको क्या बनाना है, मीजो बनाना है. और ओपन चेन एलकेट्री प्लस कार यहाँ इथाइल लो मिथाइल लो और एच लो फिर ऐसे एच मिथाइल और इथाइल यह प्लेन और सिमेट्री आ गई तो इसमें टोटल कार्बन कितना है भाई एट कार्बन तो आंसर कितना एट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फिनोप्थलिन थोड़ी जगह चाहिए फिनोप्थलिन के लिए ओके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फिनोप्थलिन फिनोप्थलिन कैसे होता है भाई जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है ना ये थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन हटके वहां पे फिनॉल लग जाएगा ये बन गया हमारा फिनोप्थलिन

तो क्रॉस एल्डोल से ये बना है ना अच्छा आगे जाके एसिटल बन रहा है एसिटल कब बनेगा जब यहाँ पे दो एल्कोहल होंगे तब ये बनेगा ना तो इससे इस, इन दोनों की रिएक्शन से ये नहीं बन रहा है इसका मतलब फिर से फॉर्मुलड होना चाहिए एक बार प्रोडक्ट दे दिया तो और कुछ देने की जरूरत नहीं है इन दोनों में फिर से आप कंसेंट्रेट बेस डालोगे ये क्या होगा हमारा कैनिजरो इसका कैनिजोर होगा तो कैन क्रॉस कैनेजोर में क्या होता है फॉर्मल का होगा ऑक्सीडेशन दूसरा कोई भी एल का होगा रिडक्शन इसमें डालो फिर फॉर्मल तो यहां से निकलेगा ये वाटर वाटर निकल के क्या बनेगा पी एच सी एच ओ सी एस टू एस टू सी एस टू और ओ है ना तो ये रहा हमारा सीएस टू कित हुए भाई ये हो गया हमारे सिक्स मेंबर रिंग कितने अच्छा फॉर्मुलेट कितने कंज्यूम हुए तो पहले यहां से यहां क्रॉस एलडोल में एक बार ये कंज्यूम हुआ दो मोल ये कंज्यूम हुए तीसरा ये कंज्यूम हुआ तो थर्टीन का आंसर कितना आएगा अपना थ्री थ्री सही है ना एक फॉर्मुल दूसरा फॉर्मल रिडक्शन तीसरा ठीक है चलो तो इसी के साथ ये पूरा हुआ इंटीजर टाइप टेस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो बार सवाल आ गया इस टाइप पे यानी इस सवाल में खास बात है कि कैनिजरो हो रहा है ना कैनिजरो ये जो कैनिजरो करा रहे हैं हम ये क्रॉस कीटोन पे हो रहा है कीटोन का भी कैनिजरो होता है है ना इस एग्जाम्पल से पता चला मिलते हैं फिर आगे ठीक है आप तैयारी करते रहिए जो गलत हो रहे हैं उनको वापस देखना है आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चलती रहेगी है ना बस आपने गलतियां जो है उसको मिनिमाइज करते रहना है लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है ना आई आई टी वगैरह लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है तो जो गलतियां हैं उनको देखना है अपने बच्चे से मिलते हैं फिर आगे जय हिंद जय भारत